सो है एवरीवन, एज वी ऑल नो दैट इट हैज़ बीन कम्प्लीटली 1.5 ईयर टू दिस COVID-19। बीते कुछ 2-3 महीनों में हमने एक अलग डिजीज़ को उभरता हुआ देखा है जो कि इस COVID-19 के साथ एसोसिएट करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ म्यूकोरमाइकोसिस का, जिसे आम भाषा में कहा जाता है ब्लैक फंगस। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड है। हम बात करेंगे ब्लैक फंगस और उससे होने वाली बीमारी के बारे में। सो मैंने इस वीडियो को इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि इसे देख करके एक नॉर्मल मेडिकल फील्ड से रिलेटेड इंडिविजुअल और उसके साथ ही साथ एक आम आदमी भी समझ सके। सो म्यूकोरमाइकोसिस, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वापस से बता देना चाहूँगा कि ये कोई अलग से बीमारी नहीं है। ये पहले से प्रेजेंट था और फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो फंगस के द्वारा किया जाने वाला इन्फेक्शन होता है वो मोस्ट कॉमनली अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक कहने से मतलब ये है कि जब बॉडी में एक पर्टिकुलर कंडीशन और एक पर्टिकुलर सिचुएशन आता है तभी ये बॉडी को इन्फेक्ट कर पाते हैं। अदरवाइज बॉडी के इम्यून सिस्टम के द्वारा ये कम्प्लीटली डिफेंड किए जा सकते हैं। सो डिजीज़ का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस और इसके कुछ कॉजेटिव एजेंट हैं, जिसमें जो मेन कॉजेटिव एजेंट है वो है स्पीसीज म्यूकोरमाइसिटिस। इसके अलावा कुछ और म्यूकोर, राइजोपस, राइजोम्यूकोर फंगस हैं जो कि म्यूकोरमाइकोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो बीमारी को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा एनिमी आता कहाँ से है। ये म्यूकोरमाइकोसिस कराने वाले फंगस स्पीसीज म्यूकोरमाइसिटिस ये यूबीक्यूटस होते हैं। व्हाट डज इट मीन? यूबीक्यूटस मतलब एक सर्वत्र व्याप्त होते हैं। ये सॉइल में, डिकेइंग प्लांट्स में और डिकेइंग फ्रूट्स में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ऐसे प्लांट्स या फ्रूट्स जो डिकम्पोज होते रहते हैं या जिनमें सड़न लगता रहता है, जहाँ से ये मिट्टी में मिल जाते हैं। सो हमारा एनिमी आता कहाँ से है, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा फंगस के बारे में। जो फंगस होते हैं वो एक स्पोरेंजिया का फॉर्म करते हैं। उस स्पोरेंजिया में लाखों स्पोर होते हैं और यही स्पोर आगे चल करके उस फंगस को पूरी तरीके से ग्रो करा सकते हैं। तो सेम म्यूकोरमाइसिटिस स्पीसीज के जो फंगस हैं वो भी स्पोर्स बनाने में कैपेबल हैं। तो ये स्पोर्ट्स मिट्टी में मिले हुए होते हैं और जब इनके फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है तब ये वापस से उस फंगस को ग्रो करा सकते हैं। लेकिन मिट्टी में मिले हुए होने के कारण ये स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स के साथ में फैले हुए होते हैं, जिन्हें हम एरोसोल इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो यही सोर्स होता है म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन का हमारे लिए। म्यूकोरमाइसिटिस की वजह से होने वाला ये म्यूकोरमाइकोसिस बॉडी में डिफरेंट रूट्स से इन्वेट करता है और इन्हीं डिफरेंट रूट्स के अकॉर्डिंग म्यूकोरमाइकोसिस को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। क्लिनिकल फीचर्स और रूट जिसके थ्रू म्यूकोरमाइकोसिस बॉडी में इन्वेट करता है, इन दोनों के बेसिस पे हम म्यूकोरमाइकोसिस को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। म्यूकोरमाइसिटिस के स्पोर्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट डस्ट के साथ मिल करके नेजल कैविटी में पहुंच जाते हैं ब्रीदिंग के दौरान। सो अब ये नेजल कैविटी में पहुंचने के बाद बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो पार्ट है वो होते हैं साइनस। हेड एंड नेक के इस एरिया में बहुत सारे साइनस प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्फेक्शन के लिए सबसे प्राइमरी रीजन होते हैं इन स्पोर्स के। सो नेजल कैविटी और उसके बाद नेजोफेरिंग्स में पहुँचने के बाद ये स्पोर्ट्स इन साइनस में जा सकते हैं, जो आगे चल करके कुछ क्लिनिकल फीचर्स का रीजन बनता है, जैसे कि एक साइड या दोनों साइड की फेशियल स्वेलिंग, उसके अलावा साइनोसाइटिस, हेडेक देखने को मिल सकता है, दांतों में दर्द देखने को मिल सकता है। नेजल कैविटी को अफेक्ट करने की वजह से बॉडी की इंटरनल एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाती है जो कि नेजल ब्लॉकेट का एक रीजन बनती है। यह नेजल ब्लॉकेट ठीक वैसा ही होता है जैसे कि नॉर्मल कोल्ड एंड कफ के टाइम पे होता है। इन सब के अलावा ब्लैक फंगस का एक स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर है जो कि है ब्लैकनिंग ऑफ नेजल ब्रिज और पैलेट। नेजल ब्रिज का ये एरिया और पैलेट का एरिया काला होने लग जाता है, इसी की वजह से इसका नाम ब्लैक फंगस रखा गया है। ये काला होता हुआ एरिया एक्चुअली में बॉडी की टिश्यू है जो कि नेक्रोटाइज होते जा रहे हैं इस फंगस की वजह से, जो एक तरीके से परमानेंटली खराब होते जा रहे हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो इन सभी क्लिनिकल फीचर्स के साथ और नेजल रूट से इन्फेक्शन होने वाला म्यूकोरमाइकोसिस का ये सबसे कॉमन और सबसे पहला टाइप है जो कि है राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। सो नेजोफेरिंग्स में पहुंचने के बाद ये साइनस को एंटर कर जाता है, इसके अलावा बॉडी के अदर पार्ट्स जैसे कि आई। सो आई और नेजल के बीच की इंटरनल पैसेज के थ्रू ये आई को भी अफेक्ट कर जाता है और आई की टिश्यूज को भी नेक्रोटाइज करने लग जाता है। तीसरा जो सबसे मोस्ट कॉमन जो कि इसे अफेक्ट होता है वो है अपना ब्रेन। तो ये स्पोर्ट्स नेजल कैविटी से ब्रेन में कैसे पहुंचते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो नेजल कैविटी में प्रेजेंट क्रिबरी फॉर्म प्लेट जिसमें ऑल्फैक्टरी नर्व के डिफरेंट रूट्स प्रेजेंट होते हैं, ये ऑल्फैक्टरी नर्व रूट्स स्मेल सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
ये स्पोर इस नेजल कैविटी से सीधे उस नर्व के थ्रू ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू होता हुआ ब्रेन में इन्वाइट कर जाता है, जो कि आगे चल करके हेडेक जैसे क्लिनिकल फीचर का एक रीजन बनता है। सो इस नेजल और ओरल रूट से आते हुए एयर के साथ में ये स्पोर बॉडी के नेजोफेरेंस में पहुंच जाते हैं और उसके बाद इसकी पॉसिबिलिटी ट्रेकिया से होते हुए लंग्स में जाने तक की है। लंग्स में जाकर के वहाँ टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, नेक्रोटाइज करने लग जाते हैं, जिससे एसोसिएटेड कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे फीवर, कफ, जो कि नॉन प्रोडक्टिव टाइप का होता है, जिसे आम भाषा में सूखी खांसी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ चेस्ट में पेन होता है, जिसे हम आसानी से एसोसिएट कर सकते हैं शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ के साथ में। सो इन लंग्स के थ्रू होने वाले सारे क्लिनिकल फीचर्स को हम आसानी से एसोसिएट कर सकते हैं पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस के साथ। सोइल में प्रेजेंट ये स्पोर नेजल और ओरल रूट से होता हुआ बॉडी में एंटर कर चुका है और इसोफेगस के थ्रू होकर के जीआईटी सिस्टम तक भी जा सकता है। जीआईटी सिस्टम में जाने के बाद ये स्टमक और कोलोन में जा सकता है, जो कि स्टमक या कोलोन के डिसीज से ग्रसित है, जैसे कि इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज, जिससे ये स्पोर जीआईटी सिस्टम के बाहर बॉडी के अदर पार्ट्स में इन्वाइट कर सकते हैं, जिसकी वजह से एब्डोमिनल एरिया में पेन और उससे एसोसिएटेड नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिल सकता है। कुछ सीवियर केसेस में आपको जीआई ट्रैक्ट से ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। ये ब्लीडिंग आपको क्लिनिकली दो तरीके से देखने को मिल सकता है, पहला ब्लड इन कफ, जिसे दूसरी लैंग्वेज में हीमोप्टेसिस कहा जाता है, और दूसरा होता है मलीना, जिसका मतलब ब्लड इन स्टूल। सो ये था म्यूकोरमाइकोसिस का तीसरा सबसे कॉमन टाइप, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस। इन तीनों टाइप्स के अलावा म्यूकोरमाइकोसिस कुछ अदर टाइप्स के भी हैं, जैसे डिसमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। डिसमिनेटेड कहने का मतलब है ये ब्लड स्ट्रीम को इन्वाइट करने के बाद में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि म्यूकोरमाइकोसिस के स्पोर्स एनजीओ इन्वेजिव नेचर के होते हैं। एनजीओ इन्वेजिव नेचर का मतलब है ये ब्लड वेसल्स को इन्वेड कर जाते हैं और उसके बाद ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक फैल सकते हैं, जैसे कि हार्ट, स्प्लीन, किडनी और बॉडी के डिफरेंट स्किन पार्ट्स। सो लास्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस इज क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि म्यूकोरमाइकोसिस के स्पोर मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। सो अगर कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो आपका ये फिजिकल बैरियर स्किन ब्रेक हो जाता है, जिसे हम दूसरी भाषा में इंजरी कहते हैं। उसमें ये जो स्पोर हैं वो डायरेक्टली इनोकुलेट हो सकते हैं और वहाँ चल करके डायरेक्ट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट हो जाएंगे और आपको डिसीज कॉज करा सकते हैं। सो म्यूकोरमाइकोसिस के डिफरेंट टाइप्स और उसके क्लिनिकल फीचर्स को देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके पैथोजेनेसिस पे, कि ये बॉडी में जाने के बाद बीमारी कैसे कॉज कराते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये फंगल इन्फेक्शन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल में जो एक प्रॉपर इम्यून सिस्टम के साथ में है, ये उसे कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा सकते। एक हेल्दी इंडिविजुअल की इम्यूनिटी और उसकी डिफेंस सिस्टम इस म्यूकोरमाइसिटिस के स्पोर्स को डिफेंस करने में कैपेबल होता है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जब इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड होता है तब ये अपना इन्फेक्शन करा सकते हैं, इसलिए इन्हें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी कहा जाता है। सो हालांकि ये डिसीज़ बहुत रेयर होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सीवियर होते हैं। अगर इसे अर्ली डायग्नोस न किया जाए और इसका ट्रीटमेंट न किया जाए तो इसकी वजह से होने वाला मॉर्टेलिटी रेट 17-50% तक जा सकता है। मतलब म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से डिसीज्ड टू इंडिविजुअल्स में से एक इंडिविजुअल्स का डेथ होने का पूरा संभावना होता है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से कंडीशन हैं जब एक इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज रहता है, उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो कई ऐसे कंडीशन हैं, जैसे अगर कोई इंडिविजुअल कैंसर से पीड़ित है, बहुत सारे कैंसर, उनमें से सबसे कॉमन आप ब्लड कैंसर लाइक माइलोइड ल्यूकेमिया। कैंसर के ऐसे पेशेंट्स कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कुछ ड्रग्स लेते हैं, उन्हें कहा जाता है एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स। ये एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स कैंसर सेल्स के साथ साथ बॉडी के कुछ नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, जो लो इम्यूनिटी का एक सीधा सा रीजन बनता है। वहीं दूसरी ओर कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 टाइप 2, इसके अलावा उससे होने वाला डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में भी इम्यून कंप्रोमाइज्ड होता है। तीसरा ऐसा कंडीशन जिसमें कि हम किसी इंडिविजुअल के इम्यून सिस्टम को कंप्रोमाइज या वीक करते हैं, जैसे कि कोविड-19। कोविड-19 और म्यूकोरमाइकोसिस के बीच का एसोसिएशन हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। तो ये सारे डिफरेंट सिचुएशन हैं जब एक इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज होता है, वीक होता है, तब उसे ये म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से होने वाला फंगल इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। तो अब हम बात करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस और उसके डायग्नोसिस के बारे में। जैसे किसी इंडिविजुअल को अगर म्यूकोरमाइकोसिस हो गया है तो आप उसका पता कैसे लगाएंगे, उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे?
सबसे पहला और जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है कल्चर मीडिया। म्यूकोरमाइकोसिस डिसीज्ड इंडिविजुअल के डिसीज्ड बॉडी पार्ट से सैंपल ले करके उसे कल्चर मीडिया पर कल्चर किया जाता है और उसे कुछ इस तरीके का ग्रोथ देखने को मिलता है। कल्चर मीडिया पर इस तरीके का ग्रोथ इंडिकेट करता है कि ये एक फंगल डिसीज है। इन द डायग्नोसिस पार्ट द सेकेंड वन इज माइक्रोस्कोपी। जब आप इसे माइक्रोस्कोपी करेंगे, माइक्रोस्कोपी करने के लिए सबसे पहले आपको KOH माउंट या LPCB माउंट करना पड़ता है, लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू माउंट। इस माइक्रोस्कोपी में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाइफी बना करके एक माइसिलियम का फॉर्मेशन करते हैं। हाइफी अपने पेरेंटल बॉडी से 90 डिग्री पर प्रेजेंट होती है और यहाँ पर हम स्पोरेंजिया भी देख सकते हैं। इस स्पोरेंजियम में लाखों के नंबर में स्पोरेंजिया होते हैं या स्पोर होते हैं जो कि आगे चल करके मिट्टी में मिल जाते हैं और इस एनवायरनमेंट के डस्ट के साथ मिलकर के ह्यूमन इंडिविजुअल के लिए एक इन्फेक्शन सोर्स की तरह काम करते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस से डिसीज्ड इंडिविजुअल का चेस्ट एक्सरे करने पर हमें कुछ इस तरीके का चेस्ट एक्सरे देखने को मिलता है। इस तरीके के एक स्पेसिफिक चेस्ट एक्सरे को कहा जाता है रिवर्स हेलो साइन। म्यूकोरमाइकोसिस डिसीज के डायग्नोसिस के बाद अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है, इसलिए इसके ट्रीटमेंट में आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग यूज़ करना पड़ता है जो कि है एम्फोटेरेसिन बी या पोसाकोनाजोल जो कि IV दिया जाता है। ट्रीटमेंट का एक अनदर पैरामीटर है जो अंडरलाइन कॉज है जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट लाता है उसे ठीक करना, जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स उनको मेंटेन करके रखना या कुछ अदर इम्यूनो कम्प्रोमाइज लाने वाले डिसीज को ट्रीट करना। तीसरा और जो लास्ट ऑप्शन आता है ट्रीटमेंट का वो होता है सर्जिकल रिमूवल। जब म्यूकोरमाइकोसिस किसी पेशेंट में सीवियरली इन्वेड कर चुका होता है, उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट के टिश्यूज को जब वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुका होता है, तब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है और वो होता है सर्जिकल रिमूवल। इस प्रोसेस में म्यूकोरमाइकोसिस से इन्फेक्टेड हर उस बॉडी टिश्यू को बॉडी से हटा दिया जाता है, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस से इन्फेक्टेड सभी टिश्यू का पार्ट एक पूरे ऑर्गन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए जो भी पार्ट, जो भी सेल म्यूकोरमाइकोसिस से इन्फेक्टेड होता है उसे सर्जिकल रिमूवल के थ्रू हटा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन या प्रिवेंशन के बारे में। सो म्यूकोरमाइकोसिस का प्रिवेंशन, तो ICMR के डॉक्टर्स का कहना है कि अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया जाए तो म्यूकोरमाइकोसिस किसी इंडिविजुअल को नहीं होता है, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर डिसीज होता है। जब हम म्यूकोरमाइकोसिस के प्रोग्नोसिस का बात करते हैं या इसके आउटकम का बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है। इसका मतलब क्या है, म्यूकोरमाइकोसिस का मॉर्टेलिटी रेट 17-50% तक होता है और ये डिसीज़ अपनी सीवियरिटी की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ता जाता है। केवल 5 ही दिनों में ये अपना सीवियर फॉर्म ले सकता है। बट देर इज़ वन थिंग जो कि हमें पता होना चाहिए कि ये नॉन कॉन्टाजियस होते हैं, मतलब एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में स्प्रेड होने का कोई चांस नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो कि है एसोसिएशन विद COVID-19 एंड म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस बहुत पहले से प्रेजेंट है लेकिन COVID-19 के टाइम में COVID-19 से डिसीज पेशेंट्स में ये ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको समझने से पहले COVID-19 के बारे में हमें जानना पड़ेगा। COVID-19 जैसे कि SARS-CoV-2 वायरस की वजह से होने वाला एक डिसीज़ है, जब ये इंडिविजुअल में इंटर करता है तब उस इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है तो वो बाहर से आए हुए जो एंटीजन होते हैं उसके साथ ही साथ बॉडी के कुछ टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय करने लग जाता है जो कि आगे चल करके लीड करता है रेस्पिरेटरी फेलियर या मल्टी ऑर्गन फेलियर को। सो ऐसे पेशेंट्स में ट्रीटमेंट का एकमात्र ऑप्शन बचता है, वो होता है उसके इम्यून सिस्टम को वीक करना, उसके इम्यून सिस्टम को कंप्रोमाइज करना ताकि उसका इम्यून सिस्टम खुद की बॉडी के अगेंस्ट काम न कर ले। सो यहाँ पर इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाले ड्रग्स जैसे कि स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। ये स्टेरॉइड्स इम्यून सिस्टम को काफ़ी वीक कर देता है और यही चीज़ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के रूप में प्रमोट करता है। ये सारा कहानी कुछ ऐसा है जैसे कि एक बड़े साम्राज्य पे किसी कमज़ोर साम्राज्य ने हमला किया, तब जब वो बड़ा साम्राज्य कमज़ोर था किसी और के साथ लड़ाई में बिजी था। तो अगर मैं प्रिवेंशन या प्रिकॉशन में कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहूँ तो वो होगा कि स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक्स के ओवर यूज़ से बचना, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को वीक बनाते हैं जो कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन ला देते हैं। सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट द म्यूकोरमाइकोसिस जो कि आपको जानना चाहिए था। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स और अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करिए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलना। इस वीडियो के थ्रू मैंने ब्लैक फंगस के ऊपर सारी पॉसिबिलिटी डिस्कशन कर ली है। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। आई वुड लाइक टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू। आप मुझे अपना सजेशन भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।